इस खबर के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल, एडमिशन जारी। पता याद रखें, तिवारीपुर, सिधारी, आजमगढ़। सबा कॉन्वेंट स्कूल मुबारकपुर, एडमिशन जारी। पता याद रखें, निकट अल जामेतुल अशरफिया यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़। मैनेजिंग डायरेक्टर अफरोज अहमद, ब्रिजेश दुबे प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा, आजमगढ़ की शान नेता नहीं आपका बेटा, विधानसभा 343 अतरौलिया आजमगढ़, एवं उज्जवल मॉडल स्कूल कादीपुर हरिकेश कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव में अपने ननिहाल में रह रही 16 वर्षीय दलित किशोरी की हत्या कर शव गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। इस वारदात को रविवार दोपहर उस समय अंजाम दिया गया जब अपने खेत पर चारा लेने गई थी। उसके साथ दुष्कर्म का भी अंदेशा जताया जा रहा है। देर शाम उसका शव मिलने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वो अपराधियों के नाम उजागर होने तक शव नहीं ले जाने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों के आगे आग जलाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और ईंट पत्थर भी फेंके। ईंट लगने से गंगीरी कोतवाल प्रमेंद्र सिंह का सर फट गया। ग्रामीणों को काफी समझाने के बाद रात करीब 10:30 बजे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव की अनुसूचित जाति की बुजुर्ग विधवा अकेली रहती थी। उसने 11 साल पहले अलीगढ़ शहर में रहने वाली अपनी 5 साल की देवती को अपने पास रख लिया था। तब से वो नानी के पास ही रहती थी और उन्हें ही मम्मी कहती थी। वृद्धा के अनुसार रविवार दोपहर करीब 12 बजे किशोरी अपने खेतों से चारा लेने गई थी। जब वो काफी देर तक नहीं लौटी तो दोपहर करीब 2:30 बजे वो उसे देखने पहुंची, लेकिन किशोरी नहीं मिली। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने गांव के कुछ लोगों को बुलवा लिया। देर शाम तक किशोरी की तेज खोजबीन होने लगी। इसी बीच देर शाम करीब 6 बजे किशोरी का अर्धनग्न शव अपने खेत से करीब 500 मीटर दूर एक गेहूं के खेत में पड़ा मिला। देखने से लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि पहचाने जाने के भय से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने हत्या कर दी। इस सूचना पर इलाका पुलिस के साथ साथ SSP मुनिराज जी, फॉरेंसिक टीम व अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। तब तक वहां काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो चुके थे। पुलिस ने जब शव उठाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने ये कहते हुए छीन लिया कि पहले पुलिस ये खुलासा करे कि क्या हुआ था और किसने ये वारदात की, इसके बाद ही शव उठेगा। इस पर किसी तरह SSP ने समझा कर शव उठवा कर गाड़ी में रखवा लिया तो ग्रामीणों ने पुआल, करब आदि डालकर पुलिस की गाड़ियों को आगे आग लगा दी और रास्ता रोक दिया। इस दौरान पुलिस व ग्रामीणों के बीच नोकझोंक होने लगी। इस पर पुलिस पर कुछ ग्रामीणों ने ईंट पत्थर भी फेंक दिए। इस घटना में इंस्पेक्टर गंगीरी प्रमेंद्र कुमार जख्मी हुए हैं। देर रात किसी तरह पुलिस पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने में सफल हुई। मौके पर फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड जाँच में जुटी थी। अकराबाद क्षेत्र में दोपहर से लापता किशोरी का शव खेत में मिला है। उसकी हत्या की गई है, हालांकि दुष्कर्म का भी अंदेशा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार से तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम की मदद के साक्ष्यों का संकलन कराया जा रहा है। अपने खेत वो बरसी काट भी आई तो वहाँ तल आए जे यहाँ जाती आप मैंने कबू नहीं आई। कौन लेके आए थे? कहा पता के बजे आई बरसी काट में? 12 बजे दोपहर को। और आपको जानकारी कब हुई है इसकी? मैंने की जे आज कहा कर रही है ये मतलब 2:30 बजे चलो फिर मैं 2:30 बजे लगता है मतलब देखते हैं आला के तब है टेर मारी है बीच ना तो एक ही आवाज में ये आवाज देती हाँ मम्मी लली हो नन्ननी मैंने 50-40 आवाज मार दी खेत पठारे है के और खेत के चारों लंग मैंने घूम के और देखे गाँव में। फिर यहाँ कैसे जानकारी मिली आपको? यहाँ ये डोले सारे काम के डोले के चारों लंगा देखो फसल में। अच्छा। फसल में ताना ले गो भैया कोई कहूँ मरी तो ना डरिए कहूँ। तो आपको क्या लग रहा है इसमें किसी ने इसके संग में मारा है? हाँ, जनपद अलीगढ़ में थाना अकराबाद अंतर्गत के बस गाँव में शाम को पुलिस का सूचना मिला है। गाँव का चौकीदार ने बताया था यहाँ पे 6 बजे के आसपास खेतियों में एक 17 साल का लड़की का एक शव मिला है।
उसके बाद तुरंत SHO मौके पर तुरंत आया अपना टीम के साथ। उसके साथ साथ हम हमारा टीम सभी पूरे SPCT SP ट्रैफिक SP क्राइम जनपद का सभी 5 SHO और 2 CO सब मौके पर पहुंचा। हम लोगों ने मौके पर आकर तुरंत घटना से निरीक्षण कराया और प्रथम दृष्टि पता चल रहा है लड़की की हत्या हुआ है और किस तरह का हुआ है वो सब चीज़ पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हुआ है और बाकी चीज़ हम जांच कर रहे हैं। अभी उनका परिवार जन से अप्लीकेशन लेके उसके FIR दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करके विधिक कार्रवाई जल्दी से जल्दी कराएंगे। देखा वैसे नहीं है, वो हम लोग रास्ते में जा रहा था, ले जा रहा था, थोड़ा गांव के लोग का थोड़ा आपत्ति था उन लोग का, उसके बाद उनको समझा बुझा के हमने बताया हम लोग जल्दी से जल्दी केस का खुलासा करेंगे। अभी 5 टीम गठित कर दिया केस का खुलासा करने के लिए, उन लोग सब मान लिया है। अब उन लोग हम लोग गाँव वाला पूरा हम लोग साथ में है, उन लोग सहयोग कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी केस का खुलासा करके जो दोषी के खिलाफ सख्ती से सख्ती कार्य होगा। CIBC इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।